प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात राही देशवासियों नु संबोधन किया। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ते गल करते हुए कहा कि सदियां पहला भारतीय शास्त्रा विच स्कंद पुराण विच कहा गया है कि एक बेटी 10 बेटियां दे बराबर हुंदी है। उन्होंने कल्पना चावला नु भी याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हुण नारी अगवाई कर रही है। इस संबंधी उन्होंने कई उदाहरण भी दित्तियां, जिवें 3 महिला फाइटर पायलट। माटुंगा स्टेशन भारत का अजिहा स्टेशन है जिथे सारिया महिला कर्मचारी ने। इस तों इलावा प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी दित्ती कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का उद्देश गरीब व्यक्तियों नु सस्ती सेहत सहूलतां उपलब्ध कराना है। शहर पटियाला दा तेज गेंदबाज संदीप शर्मा आईपीएल दे अपने हुण तक दे सफर दौरान सब तो महंगा 3 करोड़ रुपए विच विकया है। उस नु हैदराबाद सनराइज ने खरीदया है। इस तो पहला संदीप शर्मा किंग्स 11 पंजाब लई शानदार प्रदर्शन करदा आ रहा सी। उह जिम्बाब्वे खिलाफ देश दी प्रतिनिधता भी कर चुका है। उस दे मुढले कोच कमलजीत सिंह ने संदीप नु इस प्राप्ति ते मुबारकबाद दित्ती है। सड़क हादसों का ग्राफ दिनों दिन बढ़ रहा है, जिस नाल नौजवानों की मौत की दर में वाधा हो रहा है। ताजा मामले बारे मृतक नौजवानों के दोस्तों ते हौलदार हरदीप सिंह ने दसा कि तलवंडी साबो के 2 बॉक्सिंग के खिडारी गगनदीप सिंह गैडा ते सतपाल सिंह दी तलवंडी साबो बठिंडा सड़क दे एक अणपछाते ट्रक दी फेट नाल मोटरसाइकिल दा हादसा हो गया, जिस नाल एक नौजवान दी मौके ते मौत हो गई ते एक दी हस्पताल लिजांदे समय मौत हो गई, जिस दी पुष्टि हौलदार हरदीप सिंह ने दस्या कि बनदी कारवाई करके लाशां दा पोस्टमार्टम करन उपरांत अणपछाते ट्रक दी भाल कीती जावेगी। इंडोनेशिया मास्टर्स महिला बैडमिंटन सिंगल्स फाइनल विच भारतीय खिडारन साइना नेहवाल विश्व नंबर 1 खिडारन ताई जू यिंग तो 9-21-13-21 नाल हार गई है। उत्तर प्रदेश दे अलीगढ़ विच छप्पड़ विचकार डिगण कारण 2 पुलिस मुलाजमां समेत 7 लोकां दी मौत हो गई। हिंसा दी आग विच सड़ रहे उत्तर प्रदेश दे कासगंज विच अज लगातार तीसरे दिन भी फसाद जारी है। अज सवेरे फसादियां ने दुकानां विच अग लगा दित्ती। बीते 2 दिनां तों कासगंज विच कर्फ्यू लागू है। पीएसी ते पुलिस दे जवान तैनात ने, पर हिंसा ते अग्नि दियां घटनावां लगातार हो रहियां ने। गणतंत्र दिवस से तिरंगा यात्रा दौरान 2 गुटां विचकार झड़प हुई सी। पूरे शहर विच धारा 144 लागू है ते इंटरनेट सेवा ठप कीती गई है। हुण तक 50 गिरफ्तारियां हो चुकियां ने। खुंखार अतवादी संगठन इस्लामिक स्टेट का हिस्सा बनन चली बरतानवी सिख मुटियार नू यूके की अदालत ने 3.5 साल की कैद की सजा सुना दी है। दोषी संदीप समरा ने जुर्म कबूल कर लिया है। 18 साल संदीप ने इस्लाम धर्म अपना लिया सी ते उसने दावा किया सी कि वह जंग लगे सीरिया विच नर्स वजो काम करना चाहती है। पंजाब दे उगी विज्ञानी डॉक्टर गुरचरण सिंह कालकट दी मौत हुई है। 92 साल दे डॉक्टर कालकट PGIMER विखे संखेप बीमारी तो बाद सदी वी विछोड़ा दे गए। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हां दी मौत ते डूंघे दुख दा प्रगटावा कीता है। नवी दिल्ली दी अदालत ने नौजवान वालों बुजुर्ग नू नाले विच धक्का देने दे दोष विच 5 साल दी कैद दी सजा सुनाई है। दोषी ने बुजुर्ग कोलों 500 रुपए खोण लई उस नू नाले विच धक्का दे दिता सी ते बुजुर्ग दी इलाज दौरान मौत हो गई सी। संघनी धुंध ते तकनीकी दिक्कतां दे चलदिआं दिल्ली आउण वालियां 38 ट्रेनां देरी विच ने। 5 दा समां तब्दील कीता गया ते 18 ट्रेनां नू रद्द करना पिआ है।